ओ भाई भाई वो ओ फक क्या घबराओ ना तुसी आओ तो सही भाई। पाजी वापस चले गए मेडोस से जाने के लिए और मैं जो ऊपर से जा रहा था अब मैं दोबारा से नीचे आ गया हूँ क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। एंजाइटी का नाम सुना है? जब भी फील हो सीरियसली एक बार पहाड़ों की राइड पर निकल जाओ। निकल जाओ एक ऐसे ट्रैक पर जहाँ पर आप फील कर सको अपने आप को, अपने आप से बात कर सको, अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर सको। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन सीरियसली जब निकलोगे ना अकेले तो बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेगी जो शायद ना स्कूल में बता सके, ना कॉलेज में, ना ही ऑफिस में। रीज़न बीइंग जो ज़िंदगी का सच है ना वो ट्रैवल में है। जब पहाड़ों के सामने जाके एक आवाज़ निकालोगे ना, चिल्लाओगे तो सारी एंजाइटी, सारी ओवर थिंकिंग सब दूर हो जाएगी। याद रहेगी तो एक चीज़, लाइफ का जीना, वो सुकून से जीना, चाहे दो दिन के लिए लेकिन बहुत सुकून मिलता है इस बाइक राइड पहाड़ों के ट्रैकिंग पर एंजॉय करने में। सुबह के 5 बज चुके हैं और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि ठंड हो रही है इतनी बाहर ज़्यादा। पाजी बाहर जा चुके हैं, मैं भी चेंज करके बाहर जाता हूँ और ट्रैक करते हैं, रेडी स्टार्ट करते हैं ट्रैक। पावर बैंक वगैरह यहीं पे है, चलते हैं और आज का दिन करते हैं स्टार्ट और आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। बाहर चलते हैं, अभी चेंज कर लेते हैं। पाजी तो चले गए कपड़े चेंज करने, बस निकलते हैं फिर यहाँ से। आज 4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है जहाँ से बुग्याल से ऊपर जाएंगे। आज हम जहाँ कल गए थे उससे ऊपर का व्यू देखेंगे, पंचुली देखेंगे, बहुत प्यारा व्यू होने वाला है, देखते हैं कैसा लगेगा आज। ये है सुबह का टाइम हमारे टेंट के बाहर का, ये पंचुली इधर है, सनराइज़ होने वाला है। ये पंचुली बिल्कुल सामने, बिल्कुल बादल नहीं है और अभी ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे सनराइज़ हो जाएगा, सनराइज़ के बाद ऊपर चलेंगे। मतलब अभी धीरे धीरे अभी सब बंदे रेडी हो रहे हैं, जो और भी लोग मिले हैं हमें यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, फिर निकलते हैं आगे की साइड। भाई अपना ट्रैक हो गया स्टार्ट, अब यहाँ से बुग्याल और बुग्याल से फिर 0 पॉइंट और पीछे का व्यू दिख रहा हूँ क्या दिख रहा है पूरा। अभी सनराइज़ होने वाला है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी जाएंगे हम यहाँ से और कैप्चर करेंगे उस चीज़ को। यहाँ से बुग्याल है 1 किलोमीटर और बुग्याल से जो 0 पॉइंट है वो है 2.5 किलोमीटर। सो बट वो स्टीप है इस तरीके से, तो आपको अगर व्यू देखना है यहाँ का पंचोली का तो आपको सुबह उठ के ट्रैक करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ आफ्टरनून में। सांस लेके बोलते बोलते चलते हैं ऊपर। ये पंचोली पर्वत पीछे, अभी देखते हैं आगे, ऊपर से पूरा क्लाउड बैड देखेंगे अगर दिखता है तो। बन रहा है अभी, धीरे धीरे चलते हैं। अभी थोड़ा सा ऊंचाई पे आए हैं और क्लाउड बैड बनना रेडी हो गया है, दिख रहा है ना। अभी ऊपर देखते हैं, ऊपर जाके दिखेगा हमें वो नीचे व्यू या नहीं दिखेगा। चारों तरफ बादल और बीच में हम। भाई 6 बज चुके हैं और बुग्याल में पहुंच चुके हैं जहाँ कल पहुंचे थे, और पीछे वो है खालिया टॉप और वो है 0 पॉइंट। तो यहाँ पे स्टीप है बिल्कुल, जितना पास दिख रहा है उतना पास है नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है। और करते हैं धीरे धीरे, 6 बज चुके हैं, आधे घंटे में हमने यहाँ पहुंच चुके हैं। और पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, जो यहाँ
जो क्लाउड बेड में देख रहा था वो दूर बन रहा है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर में शायद बन जाए जो मैं देखने आया हूँ, जो जिसके लिए मैं इतनी दूर से एक दिन एक्सटेंड किया सिर्फ क्लाउड बेड के लिए। बनता है तो दिखाते हैं आपको भी, नहीं तो वो दूर वाला दिखाता हूँ मैं आपको, पहले सनराइज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और वो रहा क्लाउड बेड, ये क्लाउड बेड है जो बन रहा है उधर। ये कोई नदी नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ क्लाउड है वहाँ पे, वो क्लाउड है। बाकी ये है अपना जीरो पॉइंट और ये है खालिया, ताजी हो रहे। चलो आगे चलते हैं और कैप्चर करते हैं और कुछ मूवमेंट। सो खलिया की तरफ प्रस्थान करते हुए हम लोग, पाजी स्टीप है बिल्कुल ये, हाँ और ये खलिया टॉप आ चुके हैं पाजी। खलिया टॉप बेबी, क्या फीलिंग है? रास्ता है भाई, एकदम चलते स्वर्ग ही पहुंच रहे हो। हाँ, यहाँ के व्यू। ओ भाई भाई, वो ओ फक, इधर भी पहाड़ है भाई। खलिया टॉप पे आ चुके हैं, व्यू देखते हैं। अगर यहाँ क्लाउड बेड बना होगा मजा आ जाएगा, और नहीं बना होगा तो हम ऊपर जाएंगे। और वो है जीरो पॉइंट, वो है जीरो पॉइंट, देख इधर बोर्ड लग गए। हाँ वो रहा क्लाउड बैग, दूर है आएंगे आएंगे, अरे भी अच्छी रेंज है। खलिया टॉप से निकल के अब हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट पर, और जीरो पॉइंट पाजी बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पाजी कैसा है, कितनी दूर है। लग रहा है कि पास है, वो एकदम एक किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है तो उसमें हाँफने वाले हैं, मजा आएगा, बट चढ़ेंगे, समिट तो आज पूरी करेंगे। पीछे का व्यू देखो आप यार, क्या अल्टीमेट सनराइज हो चुका है। 6:30 बज चुके हैं। ऊपर रुकेंगे, 6:30 गए हैं, और जो हमने टाइम सेट किया था उसी टाइम के अकॉर्डिंग लकीली अभी हम अचीव कर रहे हैं सारी चीज़ें। और अगर आप भी कभी प्लान करते हैं तो आप सुबह का ही प्लान कीजिएगा, आफ्टरनून में तो यहाँ बादल हो जाता है कल की तरह, जैसे कल थे इस टाइम तो बहुत प्यारा वो मौसम आता है। ऊपर से तो दिख रहा है क्लाउड बेड पूरा, मुझे पूरा पास में देखना था क्लाउड बेड। अल्टीमेट रास्ता बना रखा है जीरो पॉइंट जाने के लिए, ऐसा रास्ता है। हाँ ये होंगे काट काट के बनाया, अब यहीं से होंगे, लाए थोड़ी ना होंगे, यहीं से काट काट के बनाया। और दूसरी चीज पता है क्या है, रास्ता इतना सिस्टमेटिक बना रखा है तो घूमेगा नहीं आदमी, घूमेगा नहीं आदमी। और दूसरी चीज, दोपहर के टाइम यहाँ हो जाते हैं बादल तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा बादल आ जाता है इस साइड, दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे। बट इस टाइम सुबह का टाइम सबसे बढ़िया है, सारी चीज़ ओपन दिख रही है, पूरा दिख रहा है ये। अभी भी जीरो पॉइंट पहुंचने में हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, अब ये ऊपर चढ़ा देगा पूरा स्टीप, अब करेगा ये बदमाशी। नहीं घबराओ ना, तुसी आओ तो सही भाई, डर रहे यहाँ पे भी बोर्ड है, आ जाओ आओ तो सही, ऊपर है जा रहे। वो रास्ते से आओ, ऊपर से मेडो से, मैं तो यहीं से जा रहा हूँ।
घूम के उल्टा नहीं आऊंगा भाई। पाजी वापस चले गए मेडोस से जाने के लिए, और मैं जो ऊपर से जा रहा था अब मैं दोबारा से नीचे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था। जो जोश में चले तो गया था मैं ऊपर, मेरे को लगा वही वाला रास्ता है, बट रास्ता यही वाला है जिससे हम पहले जा रहे थे 0 पॉइंट के लिए। तो पाजी जा चुके हैं वापस, और वो ऊपर की साइड से आएंगे मेडोस से, और अपन इसी वाले रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ तक जाना है। चलिए चलते हैं, सामने का व्यू देखते हैं कैसा होने वाला है। 7:30 हो चुके हैं और लास्ट 9 बजे तक मुझे बेस कैंप पहुंचना है, और 10 बजे तक मुझे नीचे बाइक पे पहुंचना है, जिसमें मैं 11 बजे तक अपने घर के लिए निकल चुका। चलिए सो भाई ये रास्ता यहाँ ख़त्म हो रहा है, और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो पाजी पीछे से पहुँच रहे हैं, और यहाँ से हम वापस जाते हैं। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं, जिस व्यू के लिए मैं आया था, लेकिन जहाँ क्लाउड नहीं है, क्लाउड थोड़ा दूर है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है पूरा क्लाउड, ये यहाँ तक होते हैं एक टाइम पे, यहाँ यहाँ तक पूरे आ जाते हैं, पूरा बेड बन जाता है, पूरा का पूरा ढक जाता है ये। बट ये अभी दूर है, किस्मत में नहीं थे, बाद में आएंगे, फिर कभी ऐड करेंगे इन मेमोरी को अपने साथ। अभी फ़िलहाल यहाँ से वापस चलते हैं, वहाँ है 0 पॉइंट ऊपर, यहाँ से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है। वापस चलते हैं बेस कैंप में, और वहाँ से निकलते हैं घर की साइड। अभी क्या यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि स्लोप में है, और यहाँ से 3 किलोमीटर बाद अपना बेस कैंप है। बेस कैंप पे पहुँचेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करके सीधे निकलेंगे अपने बाइक के पास, और जहाँ पे हमारा लगेज है वहाँ से हम लगेज कैरी करेंगे, लगेज लोड करके बाइक पर। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज 200 किलोमीटर की बाइक राइड करूँ, ओनली 150-200 किलोमीटर, क्योंकि मेरे पास कल का भी दिन है घर पहुंचने के लिए। सो अगर होता है 12 बजे भी निकलता हूं मैं यहां से, तो मैं हल्द्वानी तो नहीं पहुंच पाऊंगा, कोसानी पहुंच जाऊं या कोशी पहुंच जाऊं, जहां पे मैंने डे 1 पे स्टे किया था, अगर वहां पे ही पहुंच जाता हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं फिर ईजी तरीके से बिना थकान के घर पहुँच जाऊँगा। और ये ट्रिप मेरा 5 दिन का था, पूरे 5 दिन मैंने अच्छे से इंजॉय किया, बाइक राइड करी है, एक्सप्लोर किया, रील बनाई है, फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, वीडियोस बनाई हैं, और शायद आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाई हैं। कैंप यहाँ 1000 रुपये का ऊपर की साइड है, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट और 2 चाय इंक्लूड होती है। बाकी यहाँ पे आने का जो सही टाइम है वो है अक्टूबर एंड, दिसंबर एंड, और जनवरी स्टार्टिंग। इस टाइम आते हो तो इस टाइम ये ऐसा वेदर दिखेगा, और दिसंबर एंड में आते हो तो पूरा बादल स्नोफॉल दिखेगा यहाँ पे, और जनवरी एंड में, जनवरी स्टार्टिंग या जनवरी मिड में आते हो तो पूरा जो क्लाउड मैंने अभी दिखाया वो क्लाउड आपको यहाँ दिखेगा। बहुत अल्टीमेट वेदर होता है उस टाइम का, बट उस टाइम मेरे को लीव नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए मैंने कहा ये वाली लीव यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप विंटर वैकेशन बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए, आप आ सकते हैं। बाकी ये धीरे धीरे उतर उतर के चल रहे हैं। पाजी ऊपर से पहुंच गए होंगे शायद, वहाँ है 0 पॉइंट। सो भाई कैंप में आ चुके हैं और सामान रख दिया है कैंप में, पाजी का वेट कर रहे हैं, सामान वगैरह सब रख दिया है, अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हमें कुछ भाई मिले हैं दिल्ली से ही है, जो बाइक से आए थे, जो मैंने दिखाया था ना। सो पराठा अपना, और ये बंदे जिनके साथ अभी निकलेंगे, पराठा खा लेते हैं, फिर नीचे चलते हैं, बाइक उठाते हैं और चैन लूप कराते हैं, चैन टाइट कराते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, और निकलते हैं यहाँ से अल्मोड़ा की साइड। अल्मोड़ा कितनी देर में पहुँच जाएंगे ये देखना पड़ेगा, रात तक की राइड करेंगे 7 बजे तक, उसके बाद स्टे करेंगे, दिन कल निकलेंगे दिल्ली की तरफ।
सो भाई अभी क्या है, अभी निकलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, सारा सामान बांध लिया है, पाजी आ चुके हैं। सो अभी मैं निकलता हूँ नीचे और बाइक लेता हूँ, बाइक में थोड़ा सा काम करवाना है, और फिर भाई जो मिले, भाई जो बाइकर है, इनके साथ ही दिल्ली निकल रहे हैं अभी हम। सो कंपनी मिल चुकी है मुझे, चलते हैं, बाकी उनसे एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक एक बाइक दिखाते हैं कौन कौन से उनके पास बाइक है। सोलो बाइकर में, सोलो बाइक राइड में ये फ़ायदा हो जाता है अपना। सो चलिए टेंट को करते हैं बाय बाय।